अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और क्विक तरीके से चिकन एंड कॉर्न सूप। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही इजी इसका मेथड है, तो हम बहुत ही क्विकली इसको बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन एंड कॉर्न सूप। एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें हम तकरीबन डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक। आप चाहें तो पेस्ट डाल लें। हल्का सा इसको सौते कर लेंगे और ये सौते हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे चिकन। तो ये बिल्कुल मैंने छोटा छोटा कर लिया है, चाहे तो आप इसको चॉपर में कर लें या छुरी से कर लें। और ये तकरीबन 2 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं, ये शामिल कर देंगे। अब इसको हल्का सा हम भून लेंगे। जिस दौरान चिकन का जो है वो कलर चेंज हो रहा है, इसी दौरान हम इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून, चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून और सिरका भी 1 टेबलस्पून। और साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। कॉर्न डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप। मेरे पास 1 कप था, मेरे पास फ्रोज़न थे तो ये 1/2 कप मैंने डाल दिया है। और ये जो 1/2 कप है इसको मैं जो है वो चॉप कर लूँगी चॉपर में या ग्राइंड कर लें ग्राइंडर में। 1 अदद शिमला मिर्च है, ये मैं फ़्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। शिमला मिर्च का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है सूप में, तो इसलिए मैं जो है इसको ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाला सूप है। 1 टीस्पून काली मिर्च मैंने शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है ये वाला सूप, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही झटपट भी बनता है। बस जी, ये देखिए चिकन हमारी ऑलमोस्ट जो है वो उसका कलर चेंज हो गया है। और अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन जो है 1 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया इसमें। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉयल आने का वेट करते हैं और 5 मिनट इसको पकाते हैं। 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सूप हमारा जो है वो पक रहा है, इसी दौरान हम जो है अपना कॉर्नफ्लावर जो है उसको मिक्स कर लेते हैं। ये 4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और ये इसमें तकरीबन 1/2 कप हम पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कॉर्नफ्लावर मिक्स हो गया है। सूप हमारा जो है वो पक गया है, तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है ये तकरीबन। अब इसमें हम शामिल कर देंगे, ये मैंने कॉर्न जो है इनको ग्राइंड कर लिया था 1/2 कप शामिल कर देंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करते हैं और साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। जितना आपने इसको गाढ़ा करना है उतना आप इसमें कॉर्नफ्लावर जो है वो शामिल कर लेंगे। जिस स्टेज पे आके आपको लगे कि ये इतना थिक हमें चाहिए तो स्टेज पे आप आके रोक दें, ठीक है।
ये मेरा 4 टेबल स्पून जो है वो इससे बिल्कुल, ये देखें परफेक्ट थिकनेस आई है। अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने के बाद फ़ौरन से नहीं उतारना चाहिए, उससे उसके बाद जो है वो जो सूप जो है वो हमारा जब हम पी रहे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी से जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इसको पका लेंगे, दो से तीन मिनट मज़ीद हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडा थोड़ा थोड़ा करके और फौरन से हिलाते जाएंगे। चलें जी, ये सूप हमारा मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको सर्व कर लेते हैं, सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। सूप को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और ऊपर से चिली सॉस और सोया सॉस से गार्निश कर लिया है और साथ में ग्रीन चिलीज़ रखी हैं सिरका में डिप करके। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।